पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज दिस थ्री कंडीशंस, राइट. पहली कंडीशन है हमारी कैपिटल पी अप्रोचेज टू जीरो, सेकंड कंडीशन इज स्मॉल आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एंड द थर्ड कंडीशन इज स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल पी इज इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, इन थ्री कंडीशंस के अंदर हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को गेन कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब हमें ये थ्री कंडीशंस मालूम हैं. ठीक है, एंड फर्दर देखेंगे हम, हमें मालूम है दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये होता है. सबसे पहली बात, कैलकुलेशंस तो बाद में करेंगे, हमें ये थ्री कंडीशंस इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर अप्लाई करनी है. ठीक है, बाद में कैलकुलेशंस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अप्लाई. अब देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब कैपिटल पी अप्रोचेस टू जीरो, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते. ओके, सेकंड कंडीशन पे आ जाइए. स्मॉल आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मीनिंग क्या है, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे. स्मॉल आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पर रह गई. ठीक है, अच्छा अब थर्ड वाली कंडीशन क्या है, स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल पी इज इक्वल टू लैम्डा, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली आप कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू की वैल्यूज लैम्डा के फॉर्म में ले आइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए. ठीक है ना, ऐसे ही थर्ड कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी. एंड मोर ओवर कैपिटल पी भी इस टर्म्स में से हमारा गायब हो जाएगा. सो हमें जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ओके. सो अब देखिए, यहाँ से कैपिटल पी की वैल्यू निकली लैम्डा बाय आर. ओके, फर्दर हमें मालूम है दैट कैपिटल पी प्लस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल पी इज इक्वल टू वन. दैट मीन्स क्यू की वैल्यू क्या आई, वन प्लस पी. ठीक है, क्यू की वैल्यू निकालनी चाहे वो हम क्या निकलेगी, वन प्लस पी, दैट इज वन प्लस दिस टर्म. पी एंड क्यू की वैल्यू हमारी निकल गई इन टर्म्स ऑफ द लैम्डा. यहाँ पर पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू ये पुट कर दी. ठीक है, पी की वैल्यू ये रही, क्यू की वैल्यू ये रही, वेरी गुड. क्यू का हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया था, हमने एलसीएम भी ले लिया, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया. ओके, वेरी गुड. सो ये फर्दर हमारे पास ऐसी टर्म बन जाएंगी. ये तो हो गई हमारी थ्री कंडीशन अप्लाई. अब आगे करते हैं कैलकुलेशंस. सो थ्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारा ये आ गया था. ठीक है, ये टर्म आ गई थी हमारी. ओके, अब बढ़ते हैं कैलकुलेशंस की तरफ. देखिए, कैलकुलेशंस में ओनली वन मेन स्टेप है, दैट इज हमें ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं. ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए हमें ऐसी टर्म्स बनानी पड़ेंगी इसमें. ठीक है, अब ऐसे टर्म्स इसमें कैसे बनाएंगे, बस हमें जस्ट वो देखना है. अब अगर ऐसी वाली टर्म्स बन गई हमारी, उसके बाद ये फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन. हमें मालूम है दैट कॉम्बिनेशन का एक ऐसा फॉर्मूला भी होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन को जब हम खोलते हैं ना, तो हम ऐसे भी खोल सकते हैं. अच्छा, अब इसका छोटा सा प्रूफ भी कर लेते हैं. सपोज हमने 4-2 लिया. ठीक है, आपको मालूम है इस कॉम्बिनेशन को एक्चुअली में हम कैसे खोलते हैं, 4 factorial divided by 2 factorial. नीचे अभी यहाँ पर क्या होता था, 4 - 2, दैट इज 2 factorial. ओके, वेरी गुड. अब देखिए, अब हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं. ऑब्वियसली बड़े वाले फैक्टोरियल को इतना खोलना पड़ेगा कि नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाए, दैट इज 4 × 3 × 2, बस यहाँ पर रुक जाएंगे. दैट्स वाई हमारा नीचे वाला फैक्टोरियल है जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली में हम इसे कहाँ तक खोलते हैं, हम इसे खोलते हैं ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म जिसको हमने कट करना होता है प्लस वन. क्या हुआ हमारा आंसर, 3. यस, एक्चुअली में हमने 3 तक ही खोला. दैट मीन्स आप इसकी जगह पर केवल इतना भी लिख सकते थे, 4 × 3 / 2 factorial. यही है ये फॉर्मूला. देखिए कितना इजी फॉर्मूला बन गया. दैट इज एन सोन अप टू एन माइनस आर प्लस वन तक बस हमें रुक जाना है, बिकॉज हमें उसके बाद फैक्टोरियल्स कैंसिल आउट करने ही होते हैं. ठीक है ना, नीचे आ गया ये नीचे वाले का फैक्टोरियल. ओके, सो ओके, सो दैट्स वाई हमने इस वाले कॉम्बिनेशन को ऐसे खोल दिया है. ठीक है, ध्यान से देखिए ना, दैट इज हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, फिर माइनस इसमें से एक और टर्म माइनस कर दी, सोन अप टू हम कहाँ जाकर रुककर, दैट इज दिस टर्म माइनस नीचे वाली टर्म प्लस वन, दैट इज वन के साथ वन कैंसिल, एक्स के साथ एक्स कैंसिल, पीछे बचा ओनली आर. सो आर तक हम रुक गए थे. ठीक है, और हमें मालूम है जब हम फैक्टोरियल्स में चलते हैं ना, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वन सब्ट्रैक्ट होता है, अगर हम पीछे आते हैं तो वन प्लस होता है. ठीक है, दैट्स वाई अगर हमें इससे पिछले वाली टर्म लिखनी होगी उसमें वन एड हो रहा होगा. ठीक है, ये तो हमारा हो गया कॉम्बिनेशन खोलना. ठीक है, ये वाली टर्म्स तो हमारी एज इट इज ही यहाँ पर आ गई. ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कहा था कि हमें ऐसी टर्म्स बनानी है, दैट्स वाई हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकें. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हम ऐसी टर्म्स कैसे बनाएंगे. ओके, ये वाली तो अपनी फॉर्म में बिल्कुल सही पड़ी है. ठीक है,
एंड मोर ओवर अगर आप देखें कि लिमिट में जो जो टर्म्स में हमारा आर प्रेजेंट नहीं हो रहा उसे हमें लिमिट्स के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लैम्डा की पावर एक्स में आर नहीं है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। नीचे एक्स फैक्टोरियल में आर नहीं है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गया। ओके, ये भी अपनी सही फॉर्म में प्रेजेंट है। हमें ऐसी टर्म्स बनानी है। आप खुद देखिए हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आ जाइए, इन टर्म्स को हम ऐसी फॉर्म्स में कैसे लेकर आएंगे? अगर हम इन सभी टर्म्स के नीचे आर को डिवाइड करते हैं तब हमारी ऐसी टर्म्स बन जाएंगी। खुद देखिए ना, यहाँ पर आर को डिवाइड करेंगे हमारा वन आ जाएगा। इस टर्म में आर के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा वन प्लस, यहाँ पर आएगा वन अपॉन आर, ठीक है ना। सो ऑन अप टू, इस टर्म में आप आर के साथ डिवाइड करेंगे, आपका क्या आएगा? जिसके नीचे आर होगा वो तो हमारा वन हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार हमारी ऊपर वाली सभी टर्म्स इन टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। दैट इज, आपको इन सभी टर्म्स के नीचे आर को डिवाइड करना है। अब आर तो हमारे पास कहीं नहीं पड़ा डिवाइड करने के लिए। दैट इज, हम अपनी तरफ से आर को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार डिवाइड कर देंगे। अब कितने आर चाहिए हमें वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, आर के साथ देखिए कौन सी टर्म्स हैं। यहाँ पर वन है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट टर्म। सो ऑन अप टू, आर के साथ यहाँ पर क्या है? एक्स माइनस टू। दैट इज, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी एक्स माइनस टू टर्म्स हो गई। सो ऑन अप टू, यहां तक आ जाइए, यहां पर आर के साथ पड़ा एक्स माइनस वन। दैट इज, यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास एक्स माइनस वन टर्म्स हो गई, ठीक है। ये हो गई टोटल हमारी एक्स माइनस वन टर्म्स। अब ये जो टर्म बची थी इसको भी अगर एड कर लें तो हमारे पास टोटल एक्स टर्म्स प्रेजेंट है ऊपर। दैट इज, हमें टोटल आर की पावर एक्स की जरूरत है, ठीक है। दैट इज, आर की पावर एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे आर की पावर एक्स को नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब वैसे ही हर बार ऊपर वाली हर एक टर्म के साथ अगर हम आर को डिवाइड करें तो हमारी ये वाली टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है ना। आप खुद कैलकुलेट कर देख सकते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज यहां पर आ गई, ठीक है। ओके, अच्छा, अब फर्दर यहां पर आ जाइए। आपको दिख रहा होगा कि दैट ये वाली और ये वाली टर्म, इन दोनों की पावर सेम है। पावर सेम है, दैट मीन्स हम अंदर वाली टर्म्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको फर्दर ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास ए पोन बी पड़ा है उसको हम वन पोन बी पोन ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप हमारे पास वन पोन बी पोन ए पड़ा होता था तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, दैट इज ए पोन बी बन जाता है ना हमारा। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये पड़ा है तो उससे हम ऐसी फॉर्म बना सकते हैं। यही हमने यहाँ पर किया है। हमारे पास अब पड़ा है r डिवाइड बाई r प्लस लैम्डा। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं? r प्लस लैम्डा डिवाइड बाई r, ठीक है। इसके नीचे r जाएगा, दैट इज वन प्लस लैम्डा बाई r, ठीक है। नीचे यही तो आ गया हमारा टोटल। दैट्स व्हाई ये वाली टर्म्स हमारी बन गई। बस लिमिट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लिमिट्स का फॉर्मूला कैसा होता है, हमें जस्ट चेक करना है कि ये क्या ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है, ठीक है। प्लस नेगेटिव का साइन नहीं देखना, जस्ट देखना है क्या ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है। अगर ये सेम हुई तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? e रेज टू पावर, बट e रेज टू पावर दिस टर्म। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ में लगा देंगे, ठीक है। बट अगर दोनों तरफ प्लस प्लस का साइन है तो हमारा आ जाएगा e रेज टू पावर दिस टर्म, दैट इज माइनस ऑफ द लैम्डा, ठीक है। सो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर सभी जगह पर अप्लाई किया है। ध्यान से देखिए, इनकी इन सभी की पावर वन है, दैट मीन्स इन ये तो सेम ही नहीं है। अगर ये दोनों आपस में सेम ना हो तो हमारा आंसर वन आ जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इन सभी टर्म्स का आंसर हमारा वन 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 आ गया। ये टर्म हमारी बाहर पड़ी थी एज इट इज, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखिए, इन दोनों टर्म्स हमारी सेम है, सो आंसर क्या निकलेगा? ई रेज टू पावर लैमडा और साथ में ये माइनस, ये आ गया हमारा। वैसे अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पड़ा था वन, नीचे देखिए जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमारा क्या आएगा? ये दोनों आपस में सेम नहीं है, आंसर आ जाएगा वन। दैट इज ओवरऑल आंसर क्या आएगा? वन टू थ्री, ये थ्री टर्म्स हमारा निकलाया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।